शिवशंकर आप छत्तीसगढ़ से आए हो वर्कशॉप के लिए जी मैं. तो छत्तीसगढ़ से कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला है मैडम, अपना सरगुजा जिला अंबिकापुर. अच्छा, वहाँ से लगभग वही 18-19 किलोमीटर अपना गांव है सोनपुर खुर्द, वहीं से आए मैं. तो तुम्हारे आर्ट को क्या बोलते हैं? किस अपना आर्ट से रजवार शैली बोलते हैं इसको. रजवार शैली. तो रजवार वहाँ जो रीजन है रजवार वहाँ का? जी जी, वहाँ एक जाति होता है रजवार है. इस जाति का नाम जी, रजवार जाति है, का तो, नाम रजवार है. अच्छा, तो इस जाति के लोग ये आर्ट करते हैं? जी मैडम, जाति के लोग ही. तो तुम वहाँ उसी जाति के हो? जी मैडम, मैं उसी जाति का हूँ. तो कब से सीखना शुरू किया शिव? मैडम मैं तो पहले बचपन से मेरे पिताजी के साथ में ऐसे ही जाया करता था. वो जाते थे पहले म्यूजियम में मतलब काम करने के लिए जाते थे वो लोग, तो मेरे को भी साथ में ऐसे लेके जाते थे पहले छोटा सा उसी समय से. तो ये पहले के करते हैं दादा परदादा, ये फैमिली का आर्ट है कि कैसे? नहीं मैडम, ये मेरे पिताजी सोनाबाई से सीखी थी, जो रजवार शैली की जी सोनाबाई थी उसी से मेरे पिताजी सीखे थे. इसके बाद वो मतलब मेरे पिताजी भी वही करते रहे, उसके साथ में भी ऐसे करता रहा, ऐसे सीखता गया. तो कहाँ होता है ये आर्ट? पहले दीवारों पे होता है या कैसे, थोड़ा बताओ इसके बारे में. जब शुरुआत हुई, जब देखा तुमने बाबा को करते हुए? ये सब अपना घर बनाते हैं, जो रजवार भवन रजवार घर होता है उसमें, इसमें दीवारों पे ये सब डिजाइन का उपयोग होता है. अच्छा, दीवारों में जो लिपाई होता है और भित्ति चित्र बोलते हैं, रजवारे शैली का है भित्ति चित्र. भित्ति चित्र जी. तो क्या बनाते हैं दीवारों पे? दीवारों पे वही खिलौने, माटी के गुड्डा गुड़ी, खेले ऐसे, चिड़िया, जंगली जानवर, गाय भैंस बैल, ऐसी कुछ चिड़िया उड़िया बनाते हैं जो गांव में. जी गांव में जो पारंपरिक जो डिजाइन है वो सब बनाते हैं. अच्छा, तो जब दीवार पे बनाते हैं तो किस तरह के रंग यूज करते हैं? जब दीवार पे केवल वो वाइट मिट्टी रहता है जिसको छूही बोलते हैं गांव तरफ अपना. छूही जी, वो सफेद होता है. अच्छा, उसको खेत से लाते हैं और उसको पानी से वो उसको घोल के वो चीज करते हैं, निकालते हैं उसका सफेद को. तो ये मिट्टी होती ही सफेद है? जी सफेद होती है. अच्छा, और ये उस गांव में मिलती है? हाँ गांव में मिलती. अच्छा, है. तो उसको पहले इकट्ठा करके फिर उसका घोल बनाते हैं, जैसे हम सफेदी का घोल बनाते हैं जी. और फिर उससे दीवारों के ऊपर ये उसको लिपाई हाथ से, पहले तो गोबर से उसको पोताई कर लेते हैं, इसके बाद हाथ से जो जो भित्ति चित्र का वो डिजाइन होता है वो छोहा बोलते हैं उसको, जो मिट्टी सफेद मिट्टी रहता है उसको छोहा लगाते हैं. और भित्ति चित्र क्या होता है? जब तुम भित्ति चित्र की बात करते हो तो भित्ति चित्र का क्या मतलब हुआ? भित्ति चित्र अपना दीवारों पे बनाते हैं, जो दीवारों पे बनाते हैं उसको भित्ति चित्र बोलते हैं. अच्छा, तो तुम्हारे फादर ने पहले दीवारों पे बनाना शुरू किया? जी दीवारों पे बनाना शुरू किया. और तुमने उनसे सीखा? जी मैडम. अच्छा, तो जो आसपास की चीजें हैं, गांव की पेड़ हैं, जानवर हैं, वो सब बनाते हैं? जी. तो सिर्फ सफेद रंग से बनता है? सफेद नहीं, और कलर डलता है. डलता है जी. तो ये कौन से? ये लाल रहता है, गिरू मिट्टी अपना. अच्छा, मिट्टी कलर रहता है. अच्छा, और एक हरा रहता है, जो हमारे गांव तरफ कलर तो रहता नहीं था पहले. अच्छा, जो सेम का पत्ता रहता है उससे कलर करते थे, हरा कलर. अच्छा अच्छा, तो पत्ते को पहले घिस के? जी पत्ते को पहले घिस के ऐसे कलर निकालते थे, हरा कलर. ओके, और कौन से कलर यूज करते हैं? और टेराकोटा का, तो मिट्टी वाला. हाँ 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 हाँ, तो ये और काला मिट्टी था. काला मिट्टी जी. अच्छा, तो ये सब घोल के? जी ये सब करके. तो चार पांच कलर यूज? जी चार पांच कलर यूज. जी तो कहाँ कहाँ जाते थे तुम्हारे फादर काम करने? किस तरह का पेंटिंग करते थे और कहाँ कहाँ बुलाया जाता था जब तुमने उनसे सीखा? जी मैडम, मैं तो ज्यादातर भोपाल उनके साथ गया था. अच्छा, भोपाल वो यहाँ भी आए थे, चंडीगढ़ में कहीं आए. अच्छा, थे. अच्छा अच्छा, ये भारत में लगभग बहुत जगह ऐसे घूम घूम कर काम किया, ज्यादातर तो मेरे को याद नहीं है, मगर भोपाल जो म्यूजियम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, मैं वहीं से मेरे को पता, वहीं से मैं जाते थे मेरे पिताजी, वहीं से मैं कुछ थोड़ा बहुत तो जानता नहीं था उधर, इसके वहीं से मेरे को पता चला कि भोपाल जाते थे, ऐसा काम करते थे. तो तुमने ऐसे धीरे धीरे? जी. ओके, तो पढ़ाई भी किया कुछ साथ साथ? जी मैडम. अच्छा, तो कैसे सोचा कि सिर्फ यही आर्ट करोगे, कुछ और नहीं करोगे? ये कब कब दिमाग में आया बात के यही करोगे? मैं तो पहले तो ये सब नहीं आया था, मैं सोचा मेरे पिताजी तो ऐसे ही बनाते बनाते तो पता नहीं कब ऐसे हो जाएगा, मतलब रहेंगे या नहीं रहेंगे. मैं सोचा इस जो पारंपरिक जो हमारे आर्ट है उसको मैं सोचा आगे बढ़ाएंगे. अच्छा,
इसलिए मैं सब काम में ध्यान दिया और ऐसे करते करते अब धीरे धीरे। अब तुम खुद अकेले भी करते हो? जी मैडम। तो और भाई बहन भी है? जी मैडम, वो लोग घर में रहते, वो लोग नहीं जाते हैं ऐसे काम करने। पर उन्होंने सीखा है क्या? नहीं सीख पाए मैडम अभी तक। अच्छा, तो तुम सिर्फ तुम ही हो जो? तो तुम किस तरह का काम करते हो आजकल? कहाँ, पहले तो दीवारों पे होता था तुमने बोला, घरों की दीवारों में, म्यूजियम की दीवारों में, आजकल कैसे होता है? जब अब तुम किस तरह का काम करते हो? आजकल तो ऐसी झोपड़ी बनता है मैडम। अच्छा। जो अपना रजवार शैली का रजवार घर होता है। हाँ। वो सब उसके दीवारों में रिपेयरिंग का भी बोलते हैं तो उसमें बुलाते हैं काम करने के लिए। अच्छा। तो यहाँ जो SCZCC केंद्र है वहाँ पर अपना झोपड़ी है। अच्छा। वो हर साल रिपेयरिंग के लिए वहाँ बुलाते हैं ऐसे काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो तुमने टी शर्ट पहनी है ये तुमने बनाई है? जी मैडम। अच्छा, तो इस पे कौन से कलर यूज किए हैं? इसमें तो बहुत सारे, अभी जो नहीं, मतलब एक्रिलिक किया है वो जो बाजार के कलर? जी जी, बाजार के कलर। अच्छा, तो तुमने जैसे बताया कि गांव की चीजें पहले दीवारों पे बनती थी, लेकिन अब तुम कपड़ा या शीट पे भी करते हो या कि नहीं, सिर्फ दीवारों पे करते हो? दीवारों पे ही करते थे मैडम, कभी कभी जैसे कि अपना यूज के लिए, पहनने के लिए, ये सब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मगर ऐसे ही अपने दीवारों पे ही यूज करते हैं। पर ये बाहर बेचते नहीं हो? ये टी शर्ट ये सब नहीं बेचते? अच्छा, ये खुद के लिए करते? जी खुद के लिए। तो कभी सोचा क्यों नहीं कि ऐसी चीजें भी बनाई जाए और बेची जाए? मैडम वे तो ज्यादातर तो घर में समय नहीं मिलता है, खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। अच्छा, साथ में खेती करते हैं? साथ में खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। तो कहाँ कहाँ जाते हो अपना ये काम लेके? पूरे इंडिया में घूमते हो? पूरे भारत में? जी इंडिया में घूमते हैं। अच्छा, और कैसे, ये जैसे तुमने झोपड़ी बोला तो ये झोपड़ी भी तुम खुद ही बनाते हो? जी मैडम। कैसे, थोड़ा बताओ उसके बारे में। पहले तो वो जैसा कि कौन साइज का बनाना है, किस साइज का बनाना है, वैसे अपना उसका नेव डालते हैं। अच्छा। नेव करने के बाद उसको मिट्टी का बराबर मिक्स करते हैं, इसके बाद दीवाल ही खड़ा करते हैं। अच्छा अच्छा। दीवाल खड़ा करने के बाद उसमें कहाँ खिड़की करना है, कहाँ क्या करना है, दरवाजे लगाने हैं, ऐसे करके, और गाँव का जो घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा 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 जी, और डेली रहता है। अच्छा, घोड़ा क्या होता है? घोड़ा अपना जो भी गांव के घर घर होता है। हाँ। उसके भीतर में। हाँ हाँ हाँ, जो आंगन, आंगन नहीं, आंगन नहीं, नहीं। अच्छा। वो जो अपना देवी देवता लोग गांव के लोग मानते हैं, वहाँ अंदर में बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे कि धान वान रखने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो सब बनाते हैं। जी। और जो जो कोठी बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, ठीक है। और जो पेंटिंग है वो दीवारों के बाहर होती है? जी। दीवारों वाला बनाने के बाद इसको छबाई करते हैं अच्छे से, फिर उसमें डिजाइनें निकाली जाती है। अच्छा। मिट्टी के डिजाइन निकालते हैं उसमें, और इसके बाद खिड़की अपना जाली होता है गांव का। जी। जो बांस का रहता है, अंदर में ऊपर में मिट्टी का जाली बनाते हैं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद तुम दीवारों को डेकोरेट करते हो? जी। तो जैसे ये तुमने बनाया है अपनी टी शर्ट के ऊपर कि ये लोग नाच रहे हैं और ये पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इस तरह के डिजाइन भी बनाते हैं? जी मैडम बनाते हैं। जी। तो ये सब तुम्हारे गांव में अभी भी कुछ लोग हैं जो ये आर्ट करते हैं? जी बहुत लोग हैं मैडम। बहुत लोग हैं जी। तो लड़के लड़कियां दोनों करते हैं कि ज्यादा आदमी करते हैं? लड़की लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेडीज जेंट्स सब करते हैं इसको। तो इतना काम है कि इतने लोग ये जो आर्ट करते हैं, इतना मिलता है काम करने? नहीं, ज्यादातर लोगों को तो काम ही नहीं मिल पा रहा है मैडम आजकल। बहुत ज्यादा आर्टिस्ट भी हो गए हैं, जो लोग जिनका पहले से जाते थे वो लोग का कहीं कहीं जगह है पहचान, इसलिए वहाँ बुलाया जाता है, और बाकी लोग तो अभी सीखे हैं, वो लोग तो किसी को पता नहीं बाहर के बारे में, कौन से ऑफिस कहाँ है, क्या करना है, उसको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते हैं आजकल के कलाकार लोग। तो गाँव में ही रह के? जी गाँव में ही अपना। तो इस आर्ट में कुछ कहानियाँ भी होती हैं शिव के? सिर्फ अलग अलग चीज़ें ही होती हैं कि कुछ कहानियाँ भी सुनाते हैं दीवारों के ऊपर? जी कहानियाँ भी दर्शाते हैं मैडम। दर्शाते हैं जी। तो किस तरह की कहानियाँ होती हैं? अपने वो पारंपरिक कहानियाँ रहते हैं। जैसे कुछ अगर तुमने कुछ बताया हो, कुछ बताओ जो तुम्हारे दिल के करीब हो कोई ऐसी कहानी। जैसे गाय बैल रहता है जिसको हल चलाते हुए, ऐसा कुछ चित्र दर्शाते हैं हल चलाते हुए, और जो जाता जाता रहता है, जो लेडीज काम करती है वो घुमाने के लिए, दाल वाल दरने के लिए,
और ये तिरही उरी ये सब तेल वेल पेरते हैं गांव के लोग। गांव के लोग पहले पहले तो मशीन मशीन था ही नहीं, वो पहले लकड़ी का वो बनाते थे, एक तिरही बनाते थे, एक नीचे लकड़ी रखते थे एक ऊपर, और पीछे आगे से डंडे से उसको दबाते थे, उसको वो तेल निकालने के लिए यूज करते थे ज़्यादातर। तो ये सब बहुत सारी कहानियाँ मैडम। अच्छा। मतलब और है, और कैसे खाना बनाती थी, क्या करती थी, कैसे, मतलब बहुत सारी ऐसी है। अच्छा, तो जब तुम्हारे पिताजी काम करते थे और अब तुम काम करते हो, तो गांव में बहुत सारे अंतर आ गया है, पहले जैसा गांव भी नहीं जी, रहा जी, पहले जैसा गांव बहुत नई नई चीज़ें आ गई होंगी, तो जो इतने सारे बदलाव आए हैं गांव में, क्या ये भी तुम दर्शाते हो अपनी पेंटिंग में कि नहीं, पुरानी ही चीज़ें दर्शाते हैं, जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसी को दर्शाते हैं। नया नहीं डालते, अपना कुछ नया नहीं डालते जी, नया कुछ नहीं डालते। जब कभी मन करता है कि मन में आता है फिर भी उसको पारंपरिक चीज़ों को ही डाले जाते हैं मैडम, उसको नहीं अभी डालते अभी। तो तुम इसके अलावा अपना भी कोई आर्ट करते हो, अपना अलग से भी कुछ पेंटिंग करते हो कि नहीं, यही पारंपरिक पेंटिंग करते? नहीं, केवल पारंपरिक ही पेंटिंग करता हूँ मैडम। और साथ में खेती करते जी? और साथ में खेती ही करते हैं, और कास्ट सिल का भी काम करते हैं। वो क्या है? लकड़ी का होता है। अच्छा, लकड़ी जो बनाए जाते हैं उसमें खिलौने बनाते हैं लकड़ी के। अच्छा, तो वो भी पुराने पारंपरिक जो है। तो वो फिर कहाँ बाहर जाके बेचते हो? वो बाहर आजकल तो बिकता नहीं है लकड़ी का कोई भी सामान, जो शिल्पकार रहते हैं उन लोग को भी ज्यादातर आप नहीं बुला रहे, कोई भी ऐसा हो कहीं भी नहीं बुला पा रहे आजकल, तो लकड़ी का काम अब बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, तो तुम्हारा अभी तुम क्या बनाते हो उसके अंदर, खिलौने? जी, खिलौने, मूर्ति उर्ति वगैरह, शेर भालू ऐसे ही जीव जंतु, बच्चों के लिए। अच्छा, और खिसरा जोकर बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि वो बना है, क्या बोलते हैं, मुखौटे बनाते हैं ऐसे जी, मास्क, वो भी लकड़ी के बनाते हैं। तो उसके ऊपर पेंट भी करते हैं? जी जी, थोड़ा बहुत पेंट रहता है उसमें, टेराकोटा का, ब्लैक का, ज्यादातर उसमें पेंट वेंट नहीं रहता। लकड़ी का केवल ऐसी कोई पेंट वेंट नहीं करता। हाँ, वो वैसे ही अच्छा जी, वैसे ही अच्छा लगता है। तो इस वर्कशॉप में तुमने बहुत दूसरे आर्टिस्ट को भी देखा जी मैडम, और लोगों से भी मिले जी। तो कैसा रहा तुम्हारा यहाँ आके एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कैसा लगा? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा मैडम, कभी तो इधर आया नहीं था चंडीगढ़, कभी मतलब सोचा था कि कभी जाएंगे उधर, तो अब ऐसे अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ क्या बनाया तुमने शिव? यहाँ बनाया है, एक जंगल बनाया है, उसमें हिरन खरगोश जो जीव जंतु हैं वो चर रहे थे, उसको जो गांव के लोकल जो पहले ग्रामीण थे वो लोग शिकार करते थे, उसी को दर्शाया मैडम मैंने। अच्छा, तो पूरा जंगल का सीन है उसमें, जो गांव के जो शिकार करते थे पहले, मांस खाते थे, उसी को दर्शाया मैंने। और कौन से अलग अलग कलर यूज किए और फिर बनाया? जी मैम। ओके, और तुमने दूसरे आर्टिस्ट को भी देखा होगा, पहले कभी देखा था ये सारा आर्ट? कभी देखा था जी, पहले देखा हुआ है जी जी। तो इसमें नया क्या तुमने कुछ सीखने को मिला यहाँ से, इस वर्कशॉप से कुछ नया सीखने को मिला? जी मैडम, ऐसे तो हमेशा ही ऐसे देखने को मिलता है जी 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 जी। और आगे कभी सोचा है कि क्या करना चाहोगे, अब ये पारंपरिक आगे भाई बहन को सिखाओगे कि अपने बच्चों को सिखाओगे, कभी सोचा? जी मैडम, ऐसे तो अपना जो पारंपरिक है उसको सोच रहे हैं कि आगे तक ही ले जाएंगे। अब तो ज़्यादातर कोई बुलाता भी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं इसको आगे तक ही ले जाना चाहूँगा। तो पहले लोग ज़्यादा बुलाते थे? पहले लोग बुलाते थे, पहले आर्टिस्ट भी ज़्यादा नहीं थे, और बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं, बहुत सीख लिए हैं, फिर भी बहुत कम ऐसे बुला रहे हैं आजकल। तो कभी लगता है, बुरा लगता है कि कम काम मिलता है कि नहीं, करते रहते हो काम? जी मैडम, करते रहते हैं। और गांव का ज्यादातर तो खेती का उपयोग, खेती बाड़ी करते हैं आपका, और शाम को ये काम जी करते। जी शाम को ये काम करते हैं मैडम। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे अपने बारे, आर्ट के बारे में कुछ और लोगों को बताना चाहोगे जो हमें नहीं पता आपके आर्ट के बारे में, कुछ ऐसी चीज? क्या बताऊं मैडम मेरे आर्ट के बारे में, मतलब जहाँ तक है मैं सोचता हूँ इसको केवल बस अपना जो रजवार शैली है उसको ज़्यादातर
तो लोगों को अभी तक पता है नहीं, मतलब जो भित्ति चित्र है वही पता है, जो रजवाड़ पेंटिंग है जो मेरे पिताजी पहले करते थे वो सब बाकी लोग को नहीं पता है। मैं सोचता हूँ इनको बस आगे बढ़ाकर ही ऐसे मतलब मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, रेडियो आ गया है, तो आपके गांव में भी आए होंगे ये सारी चीजें, ये सब बहुत सारे बहुत तुम्हारे पास खुद के पास मोबाइल है, तो ये सब तुम कहते हो कि तुम पारंपरिक ही बनाते हो, ये चीजें नहीं डालते, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ये चीजें दर्शाते अपने आर्ट में? क्योंकि जी मैडम मैं तो सब अगर ऐसी मतलब ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशनल ही ठीक है, जो अब आजकल के नए जो आ गए हैं मॉडर्न आर्ट के बहुत सारे सामान हैं उसको अपने जो जो ट्रेडिशनल है जो अपना शैली है बस केवल उसमें ही वो सब नहीं दर्शाते, जो पहले दर्शाते थे बस वही दर्शाते हैं, अब जो नए नए सामान आए उसको नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाया भी नहीं जाता है इसमें, जो गांव का शैली है बस उसी को ही दर्शाया जाता है। अच्छा, और तुम्हारा कभी वो भी नहीं, अब सोचते नहीं कि नहीं इसमें कुछ ऐसा है? नहीं मैडम। तो पिताजी अभी भी हैं तुम्हारे? जी जी मैडम। तो वो प्रोत्साहन देते हैं कि करते रहो? अभी भी वो काम करते हैं? जी जी मैडम अभी भी काम करते हैं। तो तुम साथ अभी वो ज्यादातर फोक डांस में जाते हैं मैडम? अच्छा, फोक डांस करते भी हैं? जी मैडम। अच्छा, तुमने भी सीखा है फोक डांस? जी मैडम। तो डांस भी करते हो? जी मैडम। और गाते हो? जी थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो तुम्हारे आर्ट में गाना भी होता है जब कहानियाँ जब आप पेंट करते हो तो गाते भी हैं कहानियाँ की? जी जैसे कि सीजन अनुसार कुछ गाने भी होते हैं मैडम। अच्छा, जैसे कि फागुन सीजन में फागुन का गीत गाया जाता है। अच्छा अच्छा। और एकादशी जिसके मतलब कर्मा सीजन में कर्मा का गीत गाया जाता है, हर हर मतलब हर महीने में जैसे कि माघ फागुन ऐसे ऐसे महीने आते हैं उसमें हर सीजन में ही अलग अलग गाने बनते हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे आर्ट का पार्ट बन जाता है? जी जी आर्ट का पार्ट बन जाता है। कुछ सुनाओगे? जी मैडम अभी तो फागुन का सीजन चल रहा है तो मैं फागुन ही सुना। ठीक है सुना। जो अपना गाँव का लोकल है वो। ए देहोरी रे तै कहे मैं तेला फूरो पति आएगा, तै कहे मैं तेला फूरो पति आए होरी रे। ए देहोरी रे ऐसन अद्भुता बात कही ओ नी जाएगा, ऐसा अद्भुता बात कही ना जाए होरी हो। घोरना के नारे तीरे मुरा गिचारत आया है, घोरना के नारे तीरे मुरा गिचारत आया है होरी हो। ये देहोरी रे मुर्गी हा बुलाटी कुकराला धरी खाएगा, ऐसा अद्भुता बात कही ओ ना जाए होरी हो। ये देहोरी रे ऐसा अद्भुता बात कही ओ ना जाएगा, ऐसा अद्भुता बात कही ओ ना जाए होरी हो। घुटरा के नारे तीरे बछारू चारत आया है, घुटरा के नारे तीरे बछारू चारत आया है होरी रे। ए देहोरी रे बछरुहा उलाटी बगवाला धरी खाएगा, ऐसा अद्भुता बात कही ओ ना जाए होरी हो। Nice, very nice. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया।